वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और आज मैं बात करूंगा आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश में 3,243 पदों पर होने वाली बंपर भर्तियों की। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.governmentjobsforyou.com पर विजिट करें। बात करते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन की। आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश में 3,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां करवाने जा रहा है और ये पद रहने वाले हैं योगा गाइड के, मतलब कि हर एक पंचायत में एक पद भरा जाएगा और आप सिर्फ एक ही पंचायत के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस पंचायत के आप निवासी हो आप उसी पंचायत के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा पंचायत के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इनके लिए कैसे आवेदन करोगे। तो आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वो डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको आवेदन करना है। आपका जो जिला का निकटतम आयुर्वेद अधिकारी होगा या उपमंडलीय आयुर्वेदिक अधिकारी होगा वहाँ पर आपको अपना आवेदन पत्र सेंड करना होगा अपने दस्तावेजों के साथ। तो अब बात करते हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बता ही दिया है, जितनी पंचायत हिमाचल प्रदेश में है उतनी ही यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली हैं और आप सिर्फ एक पंचायत के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट का नाम रहेगा योगा गाइड। और अगर बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए 12वीं पास। अगर बात करें यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन योगा। आवेदक स्थानीय पंचायत का निवासी होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। अगर बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो आपकी एज 31 दिसंबर 2019 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आपकी एज अधिक से अधिक 45 वर्ष की होनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें 50 नंबर होंगे, जिसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है जिसमें कि आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है, तो उसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आपसे मांगा गया है कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए योगा से रिलेटेड, तो इसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर योगा से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है योगा से रिलेटेड। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप करेंगे 20 नंबर, यहाँ बाय मिस्टेक 10 लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर 20 नंबर दिए जाएंगे। आपका यहाँ क्या होगा कि आपको योगा का व्यवहारिक प्रदर्शन करना होगा, कुछ आपको योगा के टास्क करने होंगे, आप अच्छा करते हो तो आपको यहाँ 20 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा मौखिक परीक्षा, मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पर 50 मार्क्स रहेंगे और इसी में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 7 मार्च 2020, मतलब कि आज है 4 मार्च, तो आपके पास बचता है 2 से 3 दिन का समय, तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा 7 मार्च 2020 से पहले पहले। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और साथ में आपको मिल जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसको फिल करके बाय हैंड जमा कर सकते हैं आपके नज़दीकी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी या उपमंडलीय आयुर्वेद अधिकारी, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट का नाम आपको मैं फिर बता दूं, पोस्ट का नाम रहेगा योगा गाइड और जितनी पंचायत हिमाचल में है सभी पंचायतों में एक एक पद भरा जाएगा। तो यहाँ पर एक बात छोड़ जाती है कि इसके लिए जो आपको जो वेतनमान होगा, मतलब कि आपको सैलरी है वो कितनी दी जाएगी, तो यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपका जो वेतनमान रहेगा, देखिए ये रहा आपका यहाँ पर पूरा पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो आप 12वीं पास होने चाहिए, अगर बात करें यहाँ पर वांछनीय योग्यता की तो आपके पास सरकार का जो भी है एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योगा का डिग्री या योगा का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, क्या होगा आपके 10 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपको यहाँ पर सैलरी कितनी दी जाएगी, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है जो आपका जो वेतनमान होगा तो आपको वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा चयनित अभ्यर्थियों के पैनल में से हेल्थ वेलनेस सेंटर से संबंध व्यक्ति को भारत सरकार हिमाचल सरकार द्वारा तय हेल्थ वेलनेस सेंटर के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार मानदेय या प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा, आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी 7 मार्च 2020। और अगर बात करें यहाँ पर कि आपका जो चयन प्रक्रिया होगी उसकी जो डेट है वो स्थान है वो कहाँ पर आपका मेंशन होगा, तो आपको चेक करते रहना है जिला आयुर्वेदिक अधिकारी कार्यालय के सूचना पट को, वहाँ पर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली चेक कर सकते हैं आवेदन करने के बाद।
इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मेरे को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।